कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारतीय मीडिया को लेकर दिए गए बयान पर छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अपनी पराजय नजदीक देखकर राहुल गांधी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर बेतुके बयान दे रहे हैं। वो शायद 5 साल का भूपेश काल भूल गए हैं जब पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया था, फिर आपातकाल भूल गए हैं जब मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि पहले विपक्ष हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते थे और अब हार सामने देखकर मीडिया पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार धारा 370, राम मंदिर निर्माण जैसे असंभव समझे जाने वाले कार्यों को संभव करके दिखाया है, उन कार्यों पर जनता का विश्वास है और इसी विश्वास से पूरे देश में भाजपा का ध्वज लहराने वाला है। 400 पर देश की जनता और मतदाता कह रहा है। जिस प्रकार पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राष्ट्रीय नेताओं ने काम किया, प्रचार किया और जो वातावरण का निर्माण हुआ, भाजपा जो कहती है उसको करती है, भारतीय जनता पार्टी के पुराने घोषणा पत्र का 100% क्रियान्वयन हमने किया। बड़े बड़े वादे, अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण की कल्पना नहीं थी, 370 को हटाने की कल्पना कोई नहीं करता था, मोदी जी ने वो चमत्कार करके दिखाया है। तुष्टीकरण की राजनीति को देश में समाप्त करके सनातन के और सनातन से जुड़े हुए भाव को किस प्रकार देश में वातावरण बनाने में मोदी जी की भूमिका रही है, मुझे लगता है इससे बड़ी सफलता और नहीं हो सकती। और पूरा देश न केवल राममय है, भाजपा में है। ये लगता है कि जब पराजय नजदीक आ जाता है तो नेताओं में किस प्रकार की बौखलाहट होने लगती है और ये बौखलाहट बयान से स्पष्ट होने लगता है। राहुल गांधी जी का तत्कालीन बयान जो अभी आया है और लोकतंत्र के आधार जिसको कहते हैं, चौथे स्तंभ जिसको कहा जाता है, मीडिया के ऊपर इस प्रकार का सार्वजनिक आरोप लगाना कि मीडिया ब्लैक मिररों का समूह है और ये वसूली करने वाला गिरोह है, मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी जी शायद भूल गए हैं। छत्तीसगढ़ में 5 साल से जो पिछले सरकार रही है, पत्रकारों को किस प्रकार प्रताड़ित किया गया, जेल के अंदर डाला गया, किस प्रकार का व्यवहार पूरे छत्तीसगढ़ में व्यवहारों के साथ आतंक से जिए हैं और आपातकाल भी भूल गए शायद, क्या हालत बना के रखी थी, पूरे देश को जेल में बना के रख दिया था। इसकी वजह मैं बता रहा हूं, ये अपने पराजय का कारण ढूंढते ढूंढते ईवीएम तक पहुंचे, मगर सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद अब ईवीएम भी समाप्त हो गया बहानेबाजी में। अब इनके पास लगा कोई नया बहाना ढूंढा जाए तो बड़ी तत्परता के साथ इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति राहुल जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बताता है कि इतने लंबे समय के बाद भी जो पॉलिटिक्स में मेच्योरिटी आनी चाहिए था, वो गहरा पर आना चाहिए था, वो कहीं नहीं है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं राहुल जी, धीरे धीरे एक तो दीवा स्वप्न में है, न सरकार आ रही है, न राहुल गांधी जी को यह अधिकार मिलेगा छत्तीसगढ़ और देश के माहौल को देखते हुए। भारतीय जनता पार्टी उस लक्ष्य की ओर बढ़ रही है 400 पार, अब कोई दुनिया की ताकत इसको नहीं रोक सकती। मगर जहां तक सवाल यदि सोचते भी हैं तो राहुल गांधी जी को कोयले घोटाले की जड़ जो छत्तीसगढ़ में है, यहां वरिष्ठ अधिकारी आईएएस अधिकारी जेल के अंदर है, इनके सचिव जेल के अंदर है और 500 करोड़ से ऊपर का घोटाला ऑफलाइन और ऑनलाइन का खेल करने में हुआ। पहले राहुल जी पुराने हमारे मुख्यमंत्री जी को बुला के समझ लें कि भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में कैसे शुरुआत हुई और वहीं से जांच कराएं।